नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सियासी उठापटक के बीच सीएम सुक्खू ने रामपुर के किले में सेंध लगा दी है। नंदलाल के नाम पर सुक्खू ने जो दाव खेला उससे हॉली लॉज भी कहीं ना कहीं हिला जरूर है। दो रोज पहले तक नाराज विक्रमादित्य सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले नंदलाल अब सीएम सुक्खू की शरण में है। इसे शतरंज की चाल कहें या मौके की राजनीति पर सीएम सुक्खू ने निशाना ठीक बिठाया है। सुक्खू सरकार ने नंदलाल को तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर सातवें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मोहनलाल ब्राक्टा अभी बिना किसी पद के हैं। उनकी ताजपोशी भी देर सवेर होने वाली है। इसके साथ साथ सीएम सुक्खू ने कांगड़ा में दखल बढ़ाते हुए फतेहपुर से कांग्रेस के विधायक भवानी पठानिया को भी राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें भी कैबिनेट रैंक से नवाजा है। यानी सुक्खू ने यहां डिप्टी सीएम अग्निहोत्री को प्लेस करने का काम कर दिया। भवानी को मुकेश कैंप से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सुक्खू ने कांगड़ा में भी अपने दखल को बढ़ाने का काम किया है। अब माना जा रहा है कि ज्वालाजी से संजय रतन की ताजपोशी भी जल्द होने वाली है। संजय भी हॉली लॉज से जुड़े रहे हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में संजय का झुकाव उस तरफ अब कम होता दिख रहा है। इसके अलावा अन्य तैनातियां भी सीएम सुक्खू ने शुरू कर दी हैं। लेकिन इस सबके बीच विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अब ये दोनों किस तरफ समीकरण बिठाते हैं देखने वाली बात है, लेकिन दोनों के रुख को देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति है। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। दे इजाजत, नमस्कार।